इन दिनों मेघालय की राजनीति काफी गरमाई हुई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मेघालय का सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेघालय विधानसभा चुनाव की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट पड़ने जा रहे हैं। इन सीटों पर 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। जनजातीय रिश्तों के समीकरण और डबल इंजन सरकार का फॉर्मूला लेकर बीजेपी बैक सीट से सत्ता के फ्रंट सीट पर बैठने के लिए अकेले रणभूमि में उतरी है। वहीं कांग्रेस अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी राज्य में कांग्रेस का विकल्प बनने के उपाय में है, तो नेशनल पॉपुलर्स पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी क्षेत्रीय दल अपने सियासी आधार बचाए रखने के लिए जंग लड़ रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मेघालय की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एनपीपी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने 60-60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूडीपी के 47 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो टीएमसी ने 56 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इस तरह से एनपीपी, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के बीच चतुष्कोणीय लड़ाई होती नजर आ रही है। साल 2018 में मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उस चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकी थी। कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी 19 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर थी। वहीं यूडीपी के 6, पीडीएफ 4, बीजेपी और एचएसपीडीपी को 2-2 सीट पर सफलता मिली थी। कांग्रेस को सत्ता से रोकने के लिए कॉनराड संगमा ने बीजेपी, यूडीपी, पीडीएफ, एचपीपीडीपी और एक निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बनाई और वह राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।